नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जानवर और इंसान के रिश्ते की कहानी काफ़ी पुरानी है। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से लगाव, एक दूसरे से की रक्षा करना, ये बहुत वाक्य हमने देखे और सुने होंगे। लेकिन जोधपुर के फलौदी में जिस तरीके से एक बंदर बुजुर्ग महिला से लिपट रहा है, प्यार कर रहा है, वो भी पहली बार घर में घुसा, न जाने कहाँ से आया, कैसे घुसा, फिर बुजुर्ग महिला से उसका क्या रिश्ता है, कैसे ऐसे लिपट करके प्यार कर रहा है और बुजुर्ग महिला भी प्यार कर रही है, ये किसी को कुछ नहीं पता। घर वालों को उस समय सूझा सिर्फ कि वीडियो बनाओ। उन्होंने वीडियो बना लिया, बस देखेंगे कि बगल में हाथ जोड़ करके बहू खड़ी हैं। और सबसे पहले वीडियो देखिए। ओ माँ, नहीं नहीं बैठा है, बैठा है, अपन मने दिखे को वो डरा बैठा ना। अटे बैठ गयो है, ऊपर जावन ना रास्ता देखे है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बंदर आता है, कूलर से कूदता है, घर में घुसता है, उसके बाद बताते हैं कि घर में दो बार घुसा है वो, फिर उसको खाने के लिए आम बिस्किट कुछ ऑफर किया गया, कुछ नहीं खाया। पहली बार पहुंचा, बुज़ुर्ग महिला को लेटे हुए देखा, जा करके उनसे प्यार करने लगा, उसके बाद फिर दोबारा घर को घूम करके आया, फिर दोबारा बुज़ुर्ग महिला से वो मिला जिनका नाम भंवरी देवी है, और फिर प्यार किया। इस बार भंवरी देवी ने भी उनसे प्यार किया और उसके बाद वो फिर धीरे से निकल गया। देखिए क्या कह रही है भौरी देवी। हाँ बेटा, सब घर में घूम फिर रहा, अंदर बैठी, मैंने देखी पिलिंग माता छुट्टी ने कफट देनी, कूद पिलिंग माता हार बैठ के दोनों हाथों में हाथ पकड़, पेट पेट रे माता चढ़ और हो गयो, गले मिलियो अठी अठी दो ही गड़ा का ने पाछे बैठो हो ऊपर और पाछो अठ बैठ गयो, और घूम फिर आर बड़े पाछो आर बैठ माथे आर फेरियो बैठो रहो। अब इसके बाद जो बहू हैं भारती, उन्होंने बताया कि कैसे बंदर घर में घुसा और कैसे ये मिलन हुआ। तो आप पूरी वो घटना बताइए। हम लोग अपने रूम में उधर बैठ के बातें कर रहे थे, मेरी बहन आई हुई थी, तो अचानक वो देख के डर गई, तो मुझे लगा बिल्ली देख के डरी है, फिर उसने है ना, मैंने देखा तो बंदर है, तो सब दोनों लड़कियां और वो धूम मचाने लग गए, बंदर आया बंदर आया। मैंने बोला डरो मत, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अपन इसको छेड़ेंगे नहीं। तो फिर मैंने पास में आम पड़ा था, आम दिया उसके पास रखा, तो उसने नहीं खाया और इधर से उधर दो रूम में कूदा फांदी करने लग गई। तो हम लोगों ने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, ऐसे करके उसकी कूदा फांदी का वीडियो बना रहे थे। फिर बिस्किट दिया, दादी जी ने बोला बिस्किट दो, तो बिस्किट दिया तो भी नहीं खाया। फिर यहाँ पे रूम में सामने से देख रही थी कि दादी जी इधर सो रहे हैं, तो आके उनके पास बैठ गई। मैंने दादी जी को बोला कि आप डरना मत, अगर आप डरोगे और भागा भागी करोगे तो ये आपको नुकसान पहुँचा देगी, अगर ये आपको नुकसान पहुँचाएगी तब मैं इसको उसको भगाऊंगी, तब तक आप देखो ये क्या करती है। फिर उसने इनका हाथ पकड़ लिया, फिर हम चुपचाप देखते रहे। फिर बाद में वो इनके पेट पे बैठ गई, तो फिर उसने मतलब दादागिरी नहीं की, ऐसे प्रेम से पेट पे बैठी, फिर इनको गले लगा लिया। तो फिर मैं तो खुशी से पागल हो गई कि पहली बार ऐसा सीन देखा है कि कोई बंदर ऐसे गले लगा रहा है। फिर उसने बार बार गले लगाया, उसके बाद में आके थोड़ा रूम में घूमने चला गए और रूम घूम के वापस आया, फिर और इनके पास बैठ गया और फिर गले लगाया, तब इनका डर भाग गया और इन्होंने भी उसको हाथ फेरा कि भाई हाँ ये तो एकदम अच्छे स्वभाव की है और
लाड प्यार करी हो, लाड प्यार, फिर इन्होंने भी उसको लाड प्यार किया। तो ये है बंदर और बुजुर्ग महिला के मिलन की कहानी, मानो पुराने जन्मों का कोई रिश्ता हो। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।